हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है कि मसल बढ़ाने के लिए कितना वेट उठाना चाहिए। मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ। मैं पहले एग्जांपल देता हूँ कि अगर 50 किलो का एक लड़का है, उसको मसल बढ़ाने हैं तो उसको मैक्सिमम थाइज हो गया, चेस्ट हो गया और बैक में अपने वेट के डबल वेट उठाना है। तो पहले 50 केजी है तो 50 केजी के सिमिलर तक उसको जाने का है। और उसके बाद उसको डबल में परफॉर्म करने का है। तो वो वेट बढ़ाने के लिए अपने को धीरे धीरे हर रोज, मतलब हर हफ्ते 2.5 से 5 किलो तक अपने को वेट बढ़ाने का है हर एक एक्सरसाइज में। ये अपना मतलब मसल बढ़ाने का मतलब मेरा लॉजिक है। मतलब चेस्ट में अपना बेंच प्रेस हो गया, इंक्लाइन बेंच प्रेस हो गया, लोअर बेंच प्रेस हो गया, उसके बाद में थाइज में आप स्क्वाट है, डेड डिप है, बैक में बेंड रोज है। इसमें अपने को अपने वेट के डबल वेट उठाना है। कुछ दिनों में कुछ लड़के जल्दी वेट उठा लेते हैं और कुछ लड़कों का थोड़ा सा जेनेटिक्स नॉर्मल रहता है तो वो थोड़े से उनको देर लग जाता है। पर ये मेरा सीक्रेट है मसल बढ़ाने का। और बाकी के जो रह गए, शोल्डर हो गया, ट्राइसेप हो गया और बाइसेप हो गया, तो हमें उसमें कितना वेट उठाना है, तो हमें उससे उसमें बॉडी वेट के सिमिलर वेट उठाना है। मान लो 50 किलो का जो लड़का है, उसका बॉडी वेट 50 किलो है, तो उसको उसके लिए अपने को कम से कम सिमिलर, मतलब बाइसेप में 50 केजी, शोल्डर में 50 केजी और ट्राइसेप में 50 केजी उठाना ही है। वो बढ़ाने के लिए अपने को कम से कम हर हफ्ते में, हर एक एक्सरसाइज में 2.5 से 5 किलो तक इंक्रीज करना ही है, तब जाके अपने मसल बढ़ेंगे। तो ये मसल वेट का हो गया है, पर इसको सपोर्ट करेगा अपना डाइट। डाइट सपोर्ट करने के लिए पहले तो अगर गेनिंग करने का है अपने वेट के सिमिलर अपने को प्रोटीन लेना पड़ेगा। मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मुझे आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस में बनाऊं। थैंक यू। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक है, जितने भी सोशल मीडिया है सब पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। थैंक यू।